नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की कुंडली में मंगलदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें होगी और क्या बुरी चीज़ें होने वाली है, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहेगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मंगल देव और मकर लग्न के बारे में कुछ साधारण सी बातें मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। मकर लग्न के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं न्यायाधीश शनिदेव। शनिदेव ने मंगल देव को क्या दिया? शनिदेव ने मंगल देव यानी कि देवताओं के सेनापति को चौथे घर का स्वामी बनाया और ग्यारहवें घर का स्वामी बनाया। चौथा घर होता है जीवन में माता, भूमि, मकान, वाहन, सुख का घर, लग्जरियस लाइफ का घर। आप जो भी जीवन में सुख प्राप्त करते हैं किसी भी चीज का वो होता है चौथा। ग्यारहवां घर होता है आपके जीवन में इनकम सोर्स का। ग्यारहवां घर और लाभ प्राप्ति का, प्रॉफिट गेन्स का, इच्छा पूर्ति का, आपके जीवन में बड़े लोगों से आपको क्या प्राप्त होगा उनका और आपके जीवन में जो भी जानने वालों का एरिया होगा उनका घर होता है। मकर लग्न की कुंडली में मंगल देव चौथे और ग्यारहवें घर के यानी कि एक तो हो गया केंद्र का घर और एक हो गया त्रिकोण का घर, इन घरों के स्वामी होने के कारण मंगल देव इस कुंडली के समग्रह होते हैं। यानी कि मंगल देव चौथे और ग्यारहवें घर के स्वामी होकर मकर लग्न की कुंडली में एक समग्रह होते हैं। यानी कि जिस घर में विराजमान होंगे उस घर से संबंधित उसकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करेंगे। अब अगर तीसरे, छठे, आठवें, बारहवें घर में विराजमान होगा तो उसकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लेंगे और अगर ये चौथे घर में या दूसरे किसी भी घर में विराजमान होगा तो वहाँ पर उसकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लेंगे। यानी कि जिस घर में बैठेंगे उस घर की एनर्जी को बढ़ाने का काम यहाँ पर मंगल करेंगे। तीसरे घर में, छठे घर में बैठेंगे, रोग बढ़ाएंगे, मेहनत बढ़ाएंगे और अगर चौथे घर में हो गए तो आपके लिए सुख वृद्धि कर देंगे और धन भाव में आ गए तो धन की वृद्धि कर लेंगे। यानी कि मंगल जिस घर में जाकर बैठेंगे उस घर से संबंधित आपको जो है परिणाम बढ़ाने का काम करेंगे। सम प्लेनेट है, न्यूट्रल प्लेनेट है, जहाँ बैठेगा जिस घर में जाकर बैठेगा उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। अब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो उस घर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि अलग अलग भाव में क्या फल देंगे। मंगल जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से चौथे, सातवें और आठवें घर को प्रभावित करते हैं। मंगल की उच्च राशि मकर, मंगल की नीच राशि होती है कर्क राशि। अब मंगल जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से एक चीज कहना चाहूंगा, मंगल जो है चौथे, सातवें और आठवें घर को प्रभावित करते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा मंगल कुंडली के दशम घर में दिशा बली होते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिशा का बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मंगल स्वतः ही बली अवस्था में आ जाते हैं। मंगल जो है वो एग्रेसिव प्लेनेट होते हैं। मंगल जो है आपके जीवन में गुस्सा दे सकते हैं आपको। मंगल बहुत काम करने की क्षमता दे सकते हैं, ब्लड रिलेटेड परेशानियां भी दे सकते हैं और बहुत सारा काम करने का पराक्रम बल भी आपके अंदर मंगल देने का काम करते हैं। धैर्य बहुत अच्छा होता है व्यक्ति के अंदर, मान सम्मान भी दे सकते हैं मंगल और आपको बहुत बड़े अहदे पर आर्मी चीफ तक बनाने की ताकत यहाँ पर मंगल रखते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ मैं नोटिस में लाना चाहूँगा कि मंगल जब तीसरे, छठे, आठवें, बारहवें और नीच राशि के घर में बैठेंगे तब इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर होनी चाहिए। अगर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी इस टाइम पर कमज़ोर हो जाती तो इन घरों से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी तीसरे, छठे, आठवें, बारहवें और नीच के घर में बड़ी हुई रही तो समझ लीजिए आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आठवें घर, बारहवें घर और नीच के सातवें घर में मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे और कुंडली के फर्स्ट हाउस और चौथे घर में मंगल मांगलिक योग का निर्माण करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरी तरीके से मांगलिक दोष नहीं बनाएंगे और न ही पूरी तरीके से मांगलिक योग बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना आवश्यक रहेगी। इनका क्या फल होगा, कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन तीसरे, छठे, आठवें, बारहवें और नीच के घर में इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमज़ोर होनी चाहिए और अन्यथा दूसरे घरों में इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बड़ी हुई हुई तो आपको परिणाम शानदार प्राप्त होंगे। बात करते हैं पहले घर में मंगल जब आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। फर्स्ट हाउस में मंगल आए हुए हैं, यहाँ पर अपनी उच्च राशि मकर राशि में विराजमान है। यहाँ पर मंगल जो है एक योग बनाएंगे जिसे हम पंच महापुरुष योग कहते हैं और ये
योग होता है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। क्यों बनेगा? केंद्र का स्वामी ग्रह जब भी केंद्र में अपने उच्च मूल त्रिकोण या स्व राशि में विराजमान होता है तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु ये चार ग्रह किसी भी प्रकार का पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं, बचे हुए पांच ग्रह पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। पांच ग्रह पंच महापुरुष योग, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च अवस्था में आए हुए हैं और पंच महापुरुष योग भी बना रहे, तो जीवन में भूमि का सुख ऐसे व्यक्ति को जीवन में शानदार रहता है। प्रॉपर्टी का सुख जीवन में बहुत शानदार व्यक्ति प्राप्त करता है। बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की, तो मंगल चौथे, सातवें और आठवें घर पर अपनी दृष्टियां दे रहे हैं। यहाँ पर मंगल, एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग बहुत शानदार करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी स्थिति की होती है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है व्यक्ति का। जातक जो होता है वो बहुत मेहनती होता है। कुछ एग्रेसिवनेस मंगल दे सकता है क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन वो एक पराक्रम होता है ऐसे व्यक्ति का जीवन में। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने वाला होता है। मंगल की मां दशा में मकान, वाहन, संपत्ति का भरपूर सहयोग व्यक्ति को मिलता है। माता से जातक का विशेष लगाव रहता है या जातक का माता से विशेष लगाव रहता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगा, दाम्पत्य जीवन के लिए जो मंगल है आपको शुभता प्रदान करेगा, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छी तरीके से चलाने का काम करेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस यहाँ पर मंगल आपको अच्छा देने का काम कर सकता है और गुप्त स्रोतों से आय प्राप्ति भी यहाँ पर मंगल देने का काम कर सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति, लॉटरी सिस्टम वगैरह, शेयर मार्केट, ऑकुट साइंस, इन चीजों से आप पैसा बहुत अच्छा जीवन में प्राप्त करेंगे। मंगल अपनी शक्ति और सामर्थ्य से आपको जीवन में बहुत अच्छी तरक्की प्रदान करेगा। यहाँ पर आप मंगल का मुंगा धारण कर सकते हैं। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बड़ी हुई रही तो मैंने जो फल बताया उससे भी शानदार फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में जब मंगल विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। सेकंड हाउस में जब मंगल आएंगे पंचम, अष्टम और नवम घर पर इनकी दृष्टि आ जाएगी। ऐसे जातकों को धन, परिवार, कुटुंब का भरपूर सहयोग यहाँ पर मंगल देने वाले होंगे और यहाँ का मंगल आपको आपके जीवन में तरक्की प्रदान करेगा। जातक के परिवार में धन का आवागमन पूर्ण रूप से लगा हुआ रहता है। वाणी ऐसे व्यक्ति की कुछ उग्र मंगल यहाँ पर दे सकते हैं। मंगल की मां दशा में ऐसे व्यक्ति की जो रुकावटें आ रही होती है वो दूर हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति भी मंगल जो है अपनी शुभता प्रदान करके देते हैं क्योंकि मंगल पंचम घर पर भी दृष्टि दे रहे हैं। जातक धार्मिक होता है, पिता का सम्मान करने वाला होता है और विदेश यात्रा भी यहाँ पर मंगल आपकी करवाएंगे, जीवन में तरक्की देने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, इनकम सोर्स का स्वामी सेकंड हाउस में आया हुआ है, जीवन में बहुत शानदार अच्छी चीजें प्राप्त होगी। आय जितनी भी हो जाए आपकी धन आपका बढ़ा हुआ रहेगा, आपको ध्यान रखिएगा, आपको बहुत शानदार धन प्राप्ति के योग यहाँ पर मंगल बना देंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मंगल देंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तीसरे घर में मंगल आपको क्या फल देंगे। तीसरे घर में मंगल आएंगे छठे, नब्बे और दसवें घर पर दृष्टि देंगे। व्यक्ति को बहुत ज्यादा परिश्रमी और पराक्रमी बनाने का काम यहाँ पर मंगल बना देते हैं क्योंकि मंगल जो है पराक्रम के, मेहनत के कारक होते हैं। बहुत परिश्रम व्यक्ति करता है जीवन में और तरक्की भी प्राप्त कर लेता है और जीवन में बदलाव भी ले आता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर मंगल जो है आपको कुछ कोर्ट केस वगैरह से या हो सकता है आपको जो है लोन वगैरह सेंक्शन करावाने में परेशानियां कर दे आपको घर प्राप्ति के लिए, इस तरीके की चीजें यहाँ पर मंगल दे सकता है। छोटे भाई का योग बनता है लेकिन छोटे भाई से कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां मंगल देता ही रहता है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पिता से संबंध ऐसे व्यक्ति के उत्तम रह सकते हैं डिग्री कम होने पर। विदेश यात्रा करता है व्यक्ति अच्छी रहती है। रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस में विजय मिलती है व्यक्ति को। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी स्थिति में रहती है ऐसे व्यक्ति की, लेकिन कुछ मेहनत वाला काम ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। अपनी मेहनत से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की बड़ी हुई रही मंगल की तो यहाँ पर परिणाम जो है आपको बहुत खराब प्राप्त हो सकते हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मंगल चौथे घर में आएंगे तो क्या फल देंगे। चौथे घर में मंगल आएंगे यहाँ पर भी रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे क्योंकि केंद्र का स्वामी के केंद्र में अपनी उच्च स्व राशि या मूल त्रिकोण राशि विराजमान हो तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर मंगल यहाँ पर चौथे घर में उच्च अवस्था में आया तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर भूमि का सुख जो है वो शानदार रहेगा, भूमि के सुख से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति को माता हो गई, भूमि हो गया, मकान हो गया, हर चीज का सुख जीवन प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को एक चीज कहना चाहूंगा, कामकाज भी बेहतर स्थिति में चलता है, सुख सुविधाएं हर चीज से प्राप्त करने वाला होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावना बनती है लेकिन यहाँ पर मंगल जो है अपनी मां दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा तरक्कियां दे देते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति का दैनिक इनकम सोर्स भी अच्छी रहती है और साझेदारी के काम से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। बड़े भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति के संबंध जो है वो कुछ अच्छे रहते हैं लेकिन उनसे प्रॉफिट बहुत अच्छा व्यक्ति गेन कर लेता है। लाभ प्राप्ति अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, इनकम सोर्स भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इच्छा पूर्ति जीवन में ऐसे व्यक्ति की हो जाती है, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। और एक चीज कहना चाहूंगा,
पैतृक घर चौथे घर का स्वामी चौथे घर में ही उच्च अवस्था में आए हुए, तो विदेश सेटलमेंट आपका रेयर अवस्था में रहेगा, विदेश सेटलमेंट नहीं होगा लेकिन विदेश यात्रा आपकी बहुत अच्छी करवा देगा। वहां पर घूमने फिरने का शौक अगर आपको है विदेश में तो यहाँ पर मंगल आपकी इच्छा पूर्ति कर लेगा, लेकिन विदेश सेटलमेंट का योग नहीं बनेगा क्योंकि चौथे घर का स्वामी जो है वो चौथे में ही विराजमान है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छी अवस्था में आपको जीवन में तरक्की देने का काम करेगा। लग्न और यहाँ का मंगल, चौथे घर का मंगल आपको जीवन में तरक्की ही देने वाला है, अदरवाइज अब जो मंगलिक दोष बनेगा वो आपको जीवन में तरक्की नहीं देगा, आपके संतान प्राप्ति में आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां देने का काम कर सकता है। बात करते हैं पंचम घर में मंगल क्या फल देंगे। पंचम घर में जब मंगल आएंगे तो यहाँ पर अष्टम ग्यारहवें और बारहवें घर पर दृष्टियाँ देंगे। जातक जो होता है बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी उसकी सुजवान होती है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल पर्सन होता है, अचानक ऐसे व्यक्ति के लाभ की स्थितियाँ बन जाती है, बुद्धि ऐसे व्यक्ति की तेज होती है और ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है वो भी कुछ उग्र हो सकती है। योग्यता से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं, नॉलेज अच्छा होता है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है, फॉरेन या यूँ समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, लव लाइफ भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी मंगल यहाँ पर देने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है और पुत्र संतान प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं क्योंकि मंगल एक मेल प्लेनेट है। विदेश से लाभ के योग यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और लाभ बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति को जीवन में होता है और इच्छा पूर्ति ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, प्रॉफिट अच्छा गेन करता है व्यक्ति जीवन में। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति का नॉलेज कुछ गुप्त विद्याओं में भी होता है, ऑकुट साइंस में, तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करने वाला होता है। और बारहवें घर पर दृष्टि है तो व्यय कम करने का काम करेगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में, कुछ ऐसी चीजें होगी जिस वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश की चीजों से लाभ प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने नॉलेज की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में इनकम सोर्स जनरेट करता है और पैसा अच्छा कमा लेता है, सुख समृद्धि जीवन में प्राप्त करता है। बात करते हैं छठे घर में मंगल आएगा तो क्या फल देगा। छठे घर में जब मंगल आएगा तो कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चे बढ़ाने का काम करेगा, दुर्घटना का भय ऐसे व्यक्ति को बना रहता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज कहना चाहूंगा, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत मेहनत करवाएगा, उसके बाद आपको कोई अच्छी चीज प्राप्त हो सकती है लेकिन मेहनत आपकी लगी हुई रहेगी। मंगल की मां दशा में टेंशन बनी हुई रहती है, माता का समस्याएं होती है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, कर्ज व्यक्ति को अपने भूमि मकान के लिए लेना पड़ता है, वाहन के लिए कर्ज लेना पड़ता है और हो सकता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में इनकम सोर्स प्राप्ति के लिए भी कोई ना कोई कर्ज लेना पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल डिग्रीवेज केबिलिटी में कमजोर हो जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को नौकरी या सर्विस देने का काम मंगल दे सकते हैं और जीवन में तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है। इनकम जो है आपकी किसी सर्विस सेक्टर से देने का काम मंगल कर सकते हैं। डिग्री बढ़ी हुई रही तो यहाँ पर जातक का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम करेंगे मंगल और विदेश सेटलमेंट भी अनसक्सेसफुल ऐसे व्यक्ति का रहता है, पिता से नहीं बनती है और जातक जो होता है वो धार्मिक नहीं होता है, धर्म में रुचि भी कम लेता है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो मैंने जो फल बताया उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के सप्तम घर में मंगल आएंगे तो क्या फल देंगे। सप्तम घर में जब मंगल आएंगे तो यहाँ पर भी मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे क्योंकि नीच अवस्था में आए हुए हैं और नीच अवस्था का मंगल मांगलिक दोष 100% बनाएगा। वैवाहिक जीवन देरी से शुरू होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहेगी ही रहेगी। वैवाहिक जीवन या तो आपकी वाणी से खराब होगा या आपके एग्रेसिवनेस का खराब हो जाएगा, एटीट्यूड के कारण आपका वैवाहिक जीवन जो है ईगो के कारण खत्म हो जाएगा। पति पत्नी दोनों ही झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे और व्यवसाय व साझेदारों से जो प्रॉफिट आप गेन करना चाहते हैं उसमें भी परेशानियां देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ ऐसे व्यक्ति की उत्तम नहीं रहती, उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जातक की वाणी जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। नौकरी है तो छूटने की संभावना ऐसे व्यक्ति के बनी हुई रहती है और जातक के घर से दूर रहने के योग यहाँ पर हमें बनते दिखाई दे रहे हैं। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रमा अगर इनके साथ विराजमान हो जाए या चंद्रमा और मंगल का योग हो जाता है तो आपको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, निचता भंग हो सकती है, उस तरीके में आपको कोई अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर रही तो भी आपको कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आपको यहाँ पर मंगल जो है अच्छे परिणाम दे नहीं पाएंगे, आपको परेशानियां जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मंगल जब कुंडली के अष्टम घर में विराजमान होंगे तब क्या फल देंगे। अष्टम घर में भी मंगल जो है मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे जीवन में, ये भी मांगलिक दोष जो है आपको जीवन में परेशानियां देने का काम करेगा। यहां से मंगल 11वें, सेकंड और थर्ड हाउस पर दृष्टि देने वाले हैं।
यहाँ के मंगल के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ का मंगल जो है जीवन में आपको हर काम में रुकावटें देने का काम करेगा जीवन में। और सबसे बड़ी बात, मंगल की महादशा अंतरदशा में कोई ना कोई भारी टेंशन रहने का योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का जो साथ है वो भरपूर नहीं मिलता है, परिवार के साथ की कमी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है, धन की हानि ऐसे व्यक्ति को रहेगी, बड़े छोटे भाई बहनों से या उनसे इसको परेशानियां रहती है। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देने का काम मंगल यहाँ पर कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जातक को परिश्रम का जो सुख मिलना चाहिए वो भी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है, मुश्किल ऐसे व्यक्ति की लगी हुई रहती है। यहाँ का मंगल जो एक चीज कहना चाहूंगा, आपको आपके जीवन में कुछ पैसा जो है ऐसा बर्बाद करवाएगा, शेयर मार्केट हो गया, गुप्त स्रोत तंत्र मंत्र की विद्या में, जिससे आपका धन जो है पारिवारिक धन जो है वो खत्म हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मंगल की डिग्री इसके ऊपर बड़ी कमजोर हो जाती है तो आपको गुप्त स्रोत से इनकम सोर्स अच्छी देने का काम मंगल कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मंगल गुप्त स्रोत से आय स्रोत अच्छा बनाएंगे, जिस वजह से आपके पास धन संपत्ति अच्छी रहेगी और वो गुप्त ही रहने वाली है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नवम घर में मंगल क्या फल देंगे। नवम घर में मंगल आएंगे तो यहाँ पर 12वें, 3rd और 4थे घर पर दृष्टि देंगे। यहाँ का मंगल आस्तिक बनाएगा, आपको पिता भक्त बनाएगा, विदेश यात्राएं करवाएगा, विदेश सेटलमेंट की संभावना बढ़ाने का काम करेगा, छोटे भाई बहनों का योग तो बनाएगा और ऐसे व्यक्ति को जीवन में माता भूमि मकान वाहन का भरपूर सहयोग यहाँ पर मंगल देने का काम करते हैं। जितनी मेहनत अपने जीवन में करेगा उतने अच्छे परिणाम जीवन में व्यक्ति प्राप्त करता है। विदेश से संबंधित कुछ अच्छी चीजें भी मंगल यहाँ पर देने का काम करेगा। यहाँ का मंगल ऑलरेडी अच्छा है आपके जीवन में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया हुआ है, ये समझ लीजिए आप, तो आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा और आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राज्यों का फल आपको जीवन में अच्छा प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंडली के दशम घर में मंगल आएंगे तो क्या फल देंगे। दशम घर में जब मंगल आएंगे ऐसे व्यक्ति को कहना चाहूंगा यहाँ पर मंगल दिशा बली हो जाते हैं। यहाँ से मंगल 1st, 4th और 5वें घर पर दृष्टि देंगे। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का उत्तम रहता है, व्यक्ति को माता भूमि मकान वाहन हर चीज का योग यहाँ पर मंगल देने का काम करेंगे। शुक्र की स्थिति देख लीजिएगा, अगर शुक्र की इनके साथ तात्कालिक मैत्री हो जाती तो और भी शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ जो होती है वो बुद्धि से जुड़ी हुई रहेगी, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा और प्रोफेशनल लाइफ भी व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना देंगे। पंचम भाव पर दृष्टि से हायर एजुकेशन देने का काम भी करेंगे और दूसरा लव लाइफ भी ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली रहेगी। चौथे घर से संबंधित सभी अच्छी चीजें व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त रहेगी और मंगल दिशा बली होने के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ एग्रेसिवनेस भी देंगे, क्योंकि लग्न पर दृष्टि और दिशा बली है तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव या गुस्से वाला पर्सन हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस में मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। 11वें घर में मंगल आएंगे, 2nd हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस पर दृष्टि देंगे। परिवार में ऐसे व्यक्ति के धन का आगमन होता रहता है, जातक का मान सम्मान जो है वो घर में अच्छा बना हुआ रहेगा, बड़े भाई बहनों से संबंध ऐसे व्यक्ति के मधुर रहते हैं। पेट में कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी देने का काम मंगल यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो है वो आगे चलकर मंगल की अंतरदशा महादशा में खत्म हो जाती है। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बनाएंगे, क्योंकि मेल प्लेनेट है, बुद्धि और जुबान जो होती है व्यक्ति की थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है, वहां पर व्यक्ति किसी को दूसरे को गुस्से से जवाब दे सकता है क्योंकि वाणी के घर पर मंगल की दृष्टि रही है। जातक के दुश्मन जो है उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करते, मंगल जो है पराक्रम बहुत दे देता है व्यक्ति के अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर यूं समझ लीजिए कि शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इस वजह से व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। कोर्ट केस में विजय यहाँ पर मंगल देने का काम करेगा। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बड़ी हुई रही तो नौकरी भी आपको यहाँ पर मंगल अच्छी देने का काम कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सर्विस सेक्टर आपका बहुत अच्छा देने का काम करेंगे और कंपटीशन एग्जाम्स में आपको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात एक चीज कहने का, रोग जो होंगे वो आपके अच्छे, मतलब समझ लीजिए कि आपको रोगों से ज्यादा परेशानियां प्राप्त नहीं होगी, जो होंगे छोटे मोटे होंगे और उनसे आपको निजात मिल जाएगी। पंचम घर से संबंधित भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, छठे घर से संबंधित भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और दूसरे घर से संबंधित यानी कि धन कुटुंब वाणी इन चीजों से भी मंगल अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन वाणी उग्र करने का काम कर सकते हैं। बात करते हैं 12वें घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। 12वें घर में जब मंगल आएंगे कोई ना कोई परेशानी या टेंशन आपको दिला कर रखेंगे, मंगल दोष का निर्माण करेंगे, मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे जो जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियां बढ़ाकर ही रखने वाला है। छोटे भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति की बनती नहीं है, माता से कष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को, साझेदारी के व्यापार में ऐसे व्यक्ति को घाटा होता है और मंगल की मां दशा में जातक का पैसा जो है होता है वो खर्च हो जाता है, पैसे की किल्लत से व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, मेहनत के पूरे परिणाम नहीं मिलते, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चों में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, कोई ना कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना का भय बना रहता है, मंगल की मां दशा में व्यर्थ का खर्चा ऐसे व्यक्ति का बना रहता है।
सबसे बड़ी बात एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा परेशानियों भरी रहती है और दैनिक इनकम सोर्स में भी ऐसे व्यक्ति को कमी देखने को मिलती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको दाम्पत्य जैसे रिलेटेड परेशानियां प्राप्त हो रही है तो आप मंगलवार के व्रत करें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये कुछ बातें मैंने आपको मकर लग्न वालों बताई कि मंगल जब कुंडली के अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर अगर आप मंगल के कुछ उपाय करना चाहते हो तो बता दूं, अगर तीसरे छठे आठवें बारहवें और नीच राशि सप्तम घर में अगर मंगल विराजमान है तो आपको जो है इनका स्टोन मूंगा कभी भी धारण नहीं करना है। यहाँ पर आप इनके व्रत करें, इनके दान पुण्य करें, इनकी चीज़ों को आप बहते हुए जल में बहाएं या इनकी चीज़ों को आप कहीं दफना दें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको अच्छे परिणाम मिलेगा। और मंगलवार को आप व्रत कर सकते हैं, मंगल को लाल चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरे छठे आठवें बारहवें नीच राशि को छोड़कर अगर मंगल विराजमान है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर है तो यहाँ पर आप इनका स्टोन मूंगा धारण करके इनकी शुभता बढ़ा सकते हैं और जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जान सकते हैं कि आपके लिए आपकी कुंडली क्या कहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाकी। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।